हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं कि अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट रेट गिवन हो तो कैसे हम एक सिंगल डिस्काउंट रेट फाइंड आउट करेंगे उन दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट के इक्विवेलेंट। सबसे पहले इसको हम विद साइन लेंगे। क्या करना है, जो फर्स्ट डिस्काउंट है वो लिया हमने, दैट इज 50। सेकेंड लिया -50, और ये वाला फॉर्मूला सिर्फ टू डिस्काउंट के लिए है, थर्ड के लिए डिफरेंट हो जाता है। और यहाँ पे डिस्काउंट है तो -50, इसको इसके साथ भी ले सकते हैं आप, -50 इंटू -50 डिवाइड बाय 100। तो -50 -50 -100, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2500 डिवाइड बाय 100। 0 to 0 ये कैंसिल, क्या आ गया, -100 +25, दैट इज इक्वल टू -75%। मीन्स जो डिस्काउंट के इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट रेट होगी वो माइनस में, मीन्स ये डिस्काउंट आया है। तो क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, दैट इज इक्वल टू 75%। हेलो एवरीवन, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। कुणाल बोट अ शर्ट मार्क्ड ₹1500 इन अ सेल। देयर वॉज 20% डिस्काउंट ऑन ईच आइटम एंड अनदर 25% डिस्काउंट ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। हाउ मच डिड कुणाल पे फॉर द शर्ट। क्वेश्चन हमारे पास है कि कुणाल है, उसने जो MRP है वो 1500 फिक्स किया, एक डिस्काउंट दिया 20%, और जो दूसरा डिस्काउंट है वो सेम के ऊपर, जो ये शर्ट है डिस्काउंट के बाद जो इसका सेलिंग प्राइस आएगा उसके ऊपर, क्योंकि क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग आइटम, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है आइटम का प्राइस डिस्काउंट के बाद उसी के ऊपर दूसरा डिस्काउंट है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कुणाल कितना पे करेगा शर्ट के लिए। तो देखते हैं, यहाँ पे करते हैं SP ऑफ शर्ट, दैट विल बी इक्वल टू MRP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय 100, दैट विल बी इक्वल टू 1500 इंटू 100 -20 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 1500 इंटू 80 डिवाइड बाय 100। 20 कैंसिल, 120, आफ्टर दैट 10, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्राइस है वो हमारे पास कितना हो गया डिस्काउंट के बाद, ये इसके ऊपर 25% का दूसरा डिस्काउंट है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे, कुणाल विल पे, दैट विल बी इक्वल टू 1200 इंटू 100 -25 डिवाइड बाय 100, दैट इज इक्वल टू, ये 20 से 20 कैंसिल, 12 इंटू 75, 60, देन 6 90, दैट इज इक्वल टू ₹900। ओके, रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।